ईयर 1555 में एक फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर नॉस्ट्रेडामस ने दुनिया का अंत प्रिडिक्ट किया था। उसके हिसाब से 1999 में दुनिया खत्म हो जानी थी। दुनिया अभी तक तो बची हुई है, पर सवाल है कब तक। आने वाले वक्त में बहुत से ऐसे खतरे आ सकते हैं जो हमारे प्लैनेट को खत्म कर सकते हैं। इनमें पॉसिबिलिटी है कि कोई एस्टेरॉयड आके अर्थ से टकरा जाए, या कोई सुपर वोल्केनो इरप्ट हो जाए, या गामा रेज बर्स्ट हो जाए, न्यूक्लियर वॉर हो जाए, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑक्सीजन और पानी खत्म ही हो जाए, या कोई बहुत बड़ा पैंडेमिक आ जाए। कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद जिंदगी नॉर्मल होने ही वाली थी कि एक न्यूज ने इस वीक फिर से हमारी हार्ट बीट को तेज कर दिया, और वो न्यूज है डिजीज एक्स के बारे में। डिजीज एक्स क्या है, कितना खतरनाक है, कब आएगा, और क्या इससे हमको डरना चाहिए? ऐसे 8 सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये आपकी और आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। केट बिंगम, जो कोविड-19 के दौरान यूके की वैक्सीन टास्क फोर्स की चेयरपर्सन थी, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया जिससे पूरी दुनिया हिल गई। उन्होंने बताया दुनिया पर एक और पैंडेमिक का खतरा मंडरा रहा है जिसका नाम है डिजीज एक्स। तो डिजीज एक्स क्या है? डिजीज एक्स वो दाम है जो WHO देता है आने वाली हर अनजान बड़ी बीमारी या खतरे को, जो बहुत कम टाइम में पूरी दुनिया में फैल सकती है। 2018 में पहली बार WHO ने डिजीज एक्स की वार्निंग दी थी, और दिसंबर 2019 में यानी अगले ही साल कोविड आ गया था। आने वाला डिजीज एक्स क्या कोरोना वायरस होगा? डिजीज एक्स कोई सा भी पैथोजन हो सकता है। ये वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, या फिर फंगस होने की भी पॉसिबिलिटी है। डिजीज एक्स कितना डेंजरस हो सकता है? केट बिंगम ने बताया है कि आने वाला डिजीज एक्स कोविड-19 से 20 गुना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। कोविड-19 ने जहां पूरी दुनिया में 6.9 मिलियन लोगों की जान ली थी, वहीं डिजीज एक्स 50 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की जान ले सकता है। केट ने डिजीज एक्स को 1918 में आए स्पैनिश फ्लू से भी कंपेयर किया है, जिसने पूरी दुनिया में 50 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को मारा था। डिजीज एक्स कितना इन्फेक्शियस हो सकता है? बिंगम ने कहा है डिजीज एक्स मीजल्स की तरह इन्फेक्शियस हो सकता है, और फेटलिटी रेट इबोला जितनी हो सकती है। इबोला की फेटलिटी रेट थी 67%, मतलब अगर 100 लोगों को इबोला होता था तो उसमें से 67 लोगों की जान नहीं बच पाती थी। डिजीज एक्स कहां से ओरिजिनेट हो सकता है? बिंगम के हिसाब से ये एनिमल्स की किसी भी स्पीशीज से ओरिजिनेट हो सकता है। पूरी दुनिया में फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग एनिमल्स की स्पीशीज शहरों की तरफ जा रही है, इंसानों के कांटेक्ट में आ रही है, जिससे उनके अंदर के डिजीजेस इंसानों में ट्रांसफर हो सकते हैं। दूसरी तरफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर रोज लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, उनके साथ इस तरह के डिजीजेस काफी जल्दी फैल सकते हैं। डिजीज एक्स को लेकर WHO की क्या तैयारी है? WHO ने ही डिजीज एक्स को प्रिडिक्ट किया है। WHO अपने सर्वेलेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिससे आने वाले कोई भी नए डेंजरस वायरस को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए और उससे फैलने से बचाया जाए। WHO के साइंटिस्ट वायरस की 25 फैमिलीज को क्लोजली स्टडी कर रहे हैं। इन नए वायरसेस से होने वाले खतरों को भी स्टडी किया जा रहा है। वैक्सीन्स की सही रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी पैंडेमिक के असर को काफी कम किया जा सकता है। क्या हमें डिजीज एक्स से डरना चाहिए? एटलीस्ट अभी नहीं। WHO और केट बिंगम के हिसाब से डिजीज एक्स फ्यूचर में कभी भी आ सकता है, बट एग्जैक्ट टाइम को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। हम डिजीज एक्स से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो किसी अफवाह पर यकीन मत करिए। आप सिर्फ WHO और अपनी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को ही सही मानिए। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स भी चेक करते रहिए, हैंड वॉश करते रहिए, किसी बीमार इंसान से मिलना अवॉइड करिए। कभी अगर आप खुद बीमार हो तो पब्लिक प्लेस में मत जाइए। कोई भी बीमारी इंसान के हौसलों से बड़ी नहीं होती। हम सब ने पहले भी कोविड की जंग को जीता है, और आने वाली सभी जंगें हम ही जीतेंगे। अगर आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। खुद को और अपनी फैमिलीज को सेफ रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ब्लूम एंड इवॉल्व।